बनारस में पदयात्रा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्या है वोटर की भावना? काशी की गलियों में गूंज रहा किसका नाम? निकाय चुनाव की रणभूमि में नेताओं से सीधा सामना। बनारस में बह रही कैसी चुनावी बयार? न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी। बनारस में पदयात्रा। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और आज वाराणसी से आप देख रहे हैं एबीपी गंगा की पदयात्रा, जिसमें हम बात करेंगे जनता से निकाय चुनाव को लेकर और जानेंगे कि आखिरकार नेता निकाय चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूँ मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा की पदयात्रा और मैं हूँ आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूँ वीरेश पांडे और वाराणसी की इस पदयात्रा में हम सभी एबीपी गंगा की टीम शामिल है और ये बताने के लिए कि आखिर निकाय चुनाव में क्या है काशी की जनता का मूड। नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला, स्वागत है आपका बनारस से इस पद यात्रा में। समझेंगे निकाय चुनाव का क्या है मिजाज जनता के बीच। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के गदौलिया में और गदौलिया में भी काशी चाट भंडार के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ के लोकप्रिय नेता विधायक जो कि मंत्री भी हैं, पिछली बार भी मंत्री थे, रविंद्र जायसवाल जी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, ये काशी चाट में चाट का लुत्फ भी ले रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी वीरेश पांडे, स्नेहलता, दीपा और आयुषी तमाम मौजूद हैं। वीरेश, मंत्री जी भी यहाँ काशी चाट में मौजूद हैं और बहुत फेमस दुकान, प्रसिद्ध दुकान यहाँ की काशी चाट। देखिए रोहित जी, ये काशी चाट है और मलंग और बेफिक्र शहर है और इसका भी इतिहास है। काशी चाट, जब देश पर चाइना का आक्रमण हुआ था उस वक्त, मैं आपको बताऊं कि इस दुकान की स्थापना हुई थी और उस वक्त से ये तीसरी पीढ़ी है साहब, तीसरी पीढ़ी। लेकिन रविंद्र जायसवाल जी, चलिए चाट की दुकान के बारे में तो अभी वीरेश जी ने बताया, लेकिन ये बताइए कि इस बार जो इतिहास रहा है बनारस में निकाय चुनाव को लेकर, क्या उस इतिहास को आप दोहराएंगे, फिर से काबिज होंगे आप? काशी मस्तों की नगरी है, साहित्य की नगरी है, खिलाड़ियों की नगरी है, संगीतकों की नगरी है और प्राचीन शहर है। यह यहाँ के लोग आदर्शों में विश्वास करते हैं, निष्ठा में विश्वास करते हैं और यहाँ के लोग राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, राष्ट्र के लिए यह भाजपा के साथ खड़े रहते हैं जी। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी सपा का कहना है कि भाई बनारस बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार इतिहास बदलेंगे क्योंकि बनारस से संदेश बढ़ा जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? सपने देखना बुरा नहीं है, जिन्होंने लोकसभा में केवल एक पर सिमट गए हों, दो पर सिमट गए हों, उनके सपने में कितना दम होगा आप जानते होंगे जी। दीपा, बिल्कुल, लेकिन क्या सपा टक्कर में है कि नहीं है हमारे साथ? ना, देखिए यह क्या है कि चुनाव लोकतंत्र है, सबको लड़ना चाहिए, सबको अधिकार लड़ने का है। एक होता है कि नेक टू नेक लड़ाई है, तो नेक टू नेक फाइट यहाँ पर नहीं है, टक्कर में कोई है ही नहीं। है या नहीं क्या स्नेहा? देखिए जो कैंडिडेट है ओम प्रकाश जी, वो सुनने में आए कि आपके दोस्त हैं, लास्ट मुलाकात उनसे कब हुई थी, क्या बात हुई थी, शुभकामना दिए हैं दोस्त होने के नाते? हम बनारसी लोग राजनीतिक मतभेद और मन भेद दोनों मानते अलग अलग हैं, तो यहाँ मन का भेद नहीं है, विचारों भेद का है। क्या नहीं, विचारों होता है और इस कारण से यहाँ सपा बसपा कांग्रेस के हैं, सब आपस में अच्छे से बात करते हैं। रोहित जी, कौशलेन पटेल हैं जी और निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं और कौशलेन पटेल 2006 से लेकर 2012 तक बनारस के मेयर रहे हैं और मेयर होने के नाते इस चुनाव में, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है साहब कि नहीं? आप तो उस दौर में मेयर थे जब भारतीय जनता पार्टी न केंद्र में सत्ता में थी और न प्रदेश में सत्ता में थी। देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में डबल हैट्रिक करने जा रही है जी। लगातार हम लोगों ने 5 बार यहां नगर निगम का चुनाव जीते हैं जी और ये चुनाव हम लोग 6वीं बार जीतने जा रहे हैं, डबल हैट्रिक हम लोग करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार भी कोई मुकाबला नहीं है? देखिए इस बार समाजवादी पार्टी ने एक वार्ड का प्रत्याशी खड़ा किया है, डॉक्टर ओपी सिंह 100 में से 1 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे
और भारतीय जनता पार्टी 100 में से 100 वार्डों में चुनाव लड़ेगी और इस बार बम्पर वोटों से अब तक का सारे जीत के सारे रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि मुकाबला भी है तो यहाँ सपा से है, कांग्रेस और बसपा से नहीं है? नहीं, किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 100 वार्डों में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, और डॉक्टर ओपी सिंह एक वार्ड में चुनाव लड़ेगी। रविंद्र जी ये बताइए, चलिए हम राजनीति की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे तक भी चलेंगे आपके साथ, लेकिन हाँ पहले खा लीजिए ये चाट। चाट की खासियत तो बता दीजिए कुछ, कुछ खाने के बारे में बताइए साहब। हमने बनारस का चाट, बनारस का दूध, बनारस का मलाई, बनारस का मलैयो, बनारस का मिठाई, यह विश्व प्रसिद्ध है। बिना लाल पीड़ा और बिना इसके काशी की यात्रा पूरा नहीं होता है। जो भी आदमी बनारस आवे, चाट और यहाँ के दूध मलाई जलेबी पूड़ी खाएगा और अमरेश का गाना सुनेगा तब वो पूरे बनारस मानी जाए। अमरेश जी आइए, इधर आइए, इधर आइए, अरे इधर आइए, बताइए। देखिए मंत्री जी कह रहे हैं कि आपका गाना भी सुनना पड़ेगा तभी बनारस की यात्रा पूरी है। तो ये बताइए, सब लोग हैं यहाँ पे, चुनाव आ रहे हैं तो निकाय चुनाव के लिए क्या सुनाएंगे अमरेश भैया? अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में तो होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी में। हमारे केडी भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का द्वारा ये लिखा हुआ ये गीत है। तो हम लोग हमेशा बम बम करते रहते हैं। मोदी योगी ने विकास का दिखा दिया है झांकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ये तो कह रहे हैं बम बम काशी बोल रहा है, और रविंद्र जी भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। रविंद्र जी कोई खास तरह का गोलगप्पा लग रहा है, पानी के साथ जी, बहुत अद्भुत इसका स्वाद है। लेकिन रविंद्र जी के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लें। भैया आप ये बताइए, मंत्री जी दावा कर रहे हैं, पटेल जी दावा कर रहे हैं कि विकास विकास सब हुआ या ये सिर्फ लाइटें जल रही हैं बनारस में? बनारस का विकास देश दुनिया में लोगों को दिख रहा है, किसी को बताना नहीं पड़ रहा, आम जनमानस से आप पूछ लीजिए। सब ये आपकी दुकान है काशी जाट। अब ये बताइए, मंत्री जी कह रहे हैं बड़ा काम हो गया बनारस में, मंत्री जी आते रहते हैं या आज ही आए हैं? नहीं, मंत्री जी हमेशा आते रहते हैं। आते रहते हैं, काम वाम भी हो रहा है या नहीं बनारस में? इतना बढ़िया काम हो रहा है मोदी की, मोदी जी जरिए ऐसा काम कभी नहीं हुआ रहा। अरे ऐतिहासिक काम हुआ है वीरेश जी, मुझे लगता है ये पद यात्रा है। थोड़ा सा अशोक तिवारी चलते हुए बात करेंगे। अशोक तिवारी लीजिए, तिवारी जी आ गए, सुनिए सुनिए सुनिए, सब पर भारी। अरे अशोक तिवारी ऐसा है भाई, देखिए ये मंत्री जी कह रहे हैं सब पर भारी अशोक तिवारी। देखिए तिवारी जी, टिकट आवंटन में तो आप सब पर भारी हो गए, तो अब ये बताइए जो नतीजे आएंगे उसमें भी भारी रहेंगे? मुझे लगता है कि बनारस में कहीं दूर दूर तक आपको लड़ाई नहीं है। आप जहां भी जाएंगे केवल कमल का फूल और आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम केवल बोल रहा है। आप देखिए हमारे साथ इस पदयात्रा में मंत्री जी मौजूद हैं और मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी जी भी मौजूद हैं, और इनके साथ अभी हम लोग ये देखिए काशी भंडार चाट भंडार से गदौलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जायसवाल जी ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े स्टार प्रचारक नजर आते हैं वो भी नजर आएंगे बनारस की गलियों में? ये लोकल चुनाव है और लोकल चुनाव में हम सब अपने कर्म के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर, जो हमने विकास काम किया उसके बल पाते हैं। जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर रोपे आ रही है, इसी चौराहे पर ये आप इधर यहीं पर यहीं रोपे आ रहा है जी। चलो कैंट से यहाँ खत्म होने जा रहा है, सामने बनाया गया है पार्किंग, देखिए ये कल्पना से परे था। 17,000 करोड़ आप देख रहे हैं शहर में, कितनी रौनक, कितनी लाइट है, कितने आनंद है यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर नो ट्रैफिक जोन है तब भी यहाँ भीड़ है। शहर में सारे होटल लॉज फूल चल रहे हैं। बाबा का मंदिर बना था तो केवल दर्शन नहीं, एक कमर्शियल भी है। जाम का जाम तो लंबा है यहाँ पर, हम देख रहे हैं। भेलूपुर जाने वाले तो खूब पहचानते हैं, भेलूपुर जाके दिखाइए, पैदल नहीं चलने मिल रहा है। बिल्कुल, हम सब लोग, हमने कहा कि प्राचीन शहर है, घने शहर है, गली के शहर है, तो हम गली के शहर को तोड़ के चौड़ा नहीं करेंगे। हाँ। हम गली को बचाएंगे, गली की अपनी पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, सवाल ये है हमें तिवारी जी से, निकाय चुनाव का मामला है। तिवारी जी आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा यहाँ से? मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को, हम केवल संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं विश्वास था तो मुझे टिकट मिलेगा। कांग्रेस तो ये बोल रही है कि 7 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ तो आगे क्या बनेगा काशी के ऑटो? एक सवाल इसी पे होता है, केवल इतना बता दीजिए कि मोतियाबिंद हो जाए
तो उसका ऑपरेशन फ्रेम करवा रहे हैं हम लोग। मोदिया बिल नहीं, कांग्रेस वालों को बुला के ये दिखा दीजिए, कांग्रेस वालों को ये दिखा दीजिए, उधर बाबा विश्वनाथ काशी कॉरिडोर दिखा दीजिए, उनको दिख जाएगा। लोकतंत्र है, उनको लड़ने का अधिकार है, उनको आरोप करने का आरोप है, यह उनका अधिकार है। ये लोग आदरणीय है, इनके ये तो हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई साहब, कैमरे की तरफ कैमरे, ये हमारे बड़े भाई साहब। तो देखिए सिर्फ सिर्फ काम दिख रहा है, नाम दिखाने का और नाम देखने का कार्य गया। ये भोले के नगरी है, सब नंदी है, सामने नंदी है, यहाँ नंदी है। हम उनसे बोले हैं भाई साहब से, ये रथ है, इस पर तो जो सारथी बनेगा उसको एक पथ पे चलना है, महादेव की नगरी है। ठीक है, आइए आइए आगे आइए मंत्री जी और तिवारी जी, अब हमारा फाइनल राउंड, आखिर के दो सवाल आपसे। इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी के आने के बाद हमने बड़ी सारी चीजों को बदलते हुए देखा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये भी कहते हैं कि एक संकट है, बनारस की पहचान पुराने शहर के तौर पर है, वो पहचान खोती जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? काशी, बाद में बनारस, फिर वाराणसी, जहाँ लोग यहाँ के रहना चाहते हैं, इच्छा होती कि मेरी अंतिम यात्रा काशी में हो, तब हमें क्या करना है, पब्लिक को सुविधाएं को रोके बिना इसका विकास करना है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दे, विकास का संभव नहीं है, तो आम आदमी चलता रहे, फिरता रहे, काम होता रहे। तिवारी जी, अभी मामला एकदम फिट लग रहा है, एकदम, और चाहेंगे ऐसे फिट रहे आप, नहीं तो फिट रहने चाहिए। तो ये बताइए कि जो काशी है, काशी की सेहत और दुरुस्त होगी, कैसे होगी, क्या सोचा आपने, जनता से क्या कहना चाहिए? रोज 5 बजे उठ के सिगरा जो स्टेडियम उसके पीछे घर है, दंड मारते हैं, बैठक मारते हैं, दौड़ते हैं। ट्रिपल इंजन सरकार रहेगी, जो भी केंद्रीय और प्रदेश से जो योजनाएं आएंगी उसको हम नगर निगम में क्रियान्वित कराएंगे। आदमपुरा मुस्लिम इलाका है, वहाँ भी जा रहे हैं वोट मांगने, वहाँ के लोगों का नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, हमारे हम सबका साथ सबका विश्वास। नहीं नहीं, क्यों नाराज रहते, कोई कारण तो बताया, क्यों नाराज रहते हैं? पसमांदा मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, बनारस में भी मुस्लिम वोटर है, तो क्या बनारस में बनारस का मुसलमान आपके साथ चलेगा, और उसके चलने साथ चलने के लिए आपने क्या किया? देखिए, हमने प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास और गैस कनेक्शन हो, हम जितना बांटे हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये मोहल्ला इनका है, ये मोहल्ला है उनका, हमने किया। पॉइंट नंबर एक, उनको भी लगता है कि बहुत हमें छला गया, बहुत छला सपा ने, कांग्रेस ने, अब मेरी आंखें खुली है, भाजपा साथ खड़े हैं। इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने, किस तरह की तैयारी लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा, विधानसभा और हमारे निकाय का चुनाव, ये तीनों चुनाव के अलग अलग एजेंडा होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं, हम तीनों के लिए काम करते हैं और इस कारण से लोकसभा का मतलब नहीं है, हम जो चुनाव सामने खड़ा है हम उस पर पुनः इतिहास बनाने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पद यात्रा में शामिल हुए। तिवारी जी, आपको शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। हर मोदी जिंदाबाद, हर हर। बिल्कुल, और ये पद यात्रा आगे बढ़ेगी। मंत्री जी आपका शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं यहाँ पर, रविंद्र जायसवाल जी वो हमारे साथ थे, साथ ही साथ अशोक तिवारी जो कि यहाँ से महापौर के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी ये पदयात्रा गदौलिया में मौजूद है, इस गदौलिया को आप देख सकते हैं। परेश जी, यहाँ पर खूब चकाचौंध दिख रही है गदौलिया में। देखिए, गदौलिया जो प्राचीन शहर है उसकी शान है, लेकिन जिस तरीके से इसके हेरिटेज रूप को और संवारा गया, संभाला गया और इसे और आधुनिक और पुरातन के बीच में सम्मिश्रण करके बनाया गया, उसका ये प्रतिरूप है और इसी वजह से तिल रखने की जगह नहीं है, आप देख सकते हैं। आप भी आए होंगे स्नेह लता पहले, लेकिन अब कुछ बदलाव दिख रहा है आपको यहाँ? बिल्कुल, और जिस गदौलिया में हम ये पद यात्रा कर पा रहे हैं रोहित सर, उसके लिए इतनी जगह, इतनी सिक्योरिटी, ये खुला माहौल, बिल्कुल। चलिए हम आगे चलते हैं, गदौलिया में मौजूद है, मेरे साथ दीपा और आयुषी भी मौजूद है, और ये देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता मौजूद है और अजय राय साहब बड़े दूर से दिख रहे हैं, अजय राय साहब बड़े दूर से दिख रहे हैं, इनकी चमक बड़े दूर से दिख रही है, बनारस में आते हैं तो हम अजय राय जी से जरूर मिलते हैं। अजय राय जी, स्वागत है आपका एक बार फिर एबीपी गंगा में। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अजय राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, और इस बार नगर निगम में अपनी पार्टी के जीत का परचम लहराएंगे, दावा करें, इनसे हम बात करेंगे, इनके साथ पदयात्रा करेंगे। अजय राय साहब, सबसे पहला सवाल, ये नगर निकाय चुनाव, नगर निगम वाराणसी में किस तरह की तैयारी है आपकी? ये हमारी जबरदस्त तैयारी है और हमारे प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव जी जो BHU छात्र संघ से निकल कर आए हैं,
महामना की बगिया से निकल कर आए हैं और जिस तरीके से उनकी यहाँ पर आम लोगों से रिश्ते हैं, पकड़ है छात्र राजनीति से लेकर और आम जनमानस के, तो मेरी हर तरीके से हमारे जितने सभासद हैं, हमारे हर वार्ड में हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग आम जनता की सेवा करने के लिए, काशी की जनता सेवा करने के लिए तैयार हैं। प्रत्याशी हैं अरे अनिल श्रीवास्तव के प्रत्याशी थे हम लोगों के साथ, उसके बाद उतना टेम्पो तो उससे ज्यादा इधर दिख रहा है। अरे ये बनारस में टेम्पो है इनका, ये छात्र राजनीति वाले हैं, छात्र की राजनीति से करके आए हैं, ये दलाली वाले नहीं है, दलाली करके नहीं आए, ये छात्र राजनीति के लोग हैं, लड़ कर आए हैं, संघर्ष करके आए हैं। मूल नेता है, मूल नेता, हाँ मूल नेता है भाजपा के लोग, भाई एक मिनट, ये आर्टिफिशियल बनावटी नेता है, आई आई आर्टिफिशियल नेता है, ये बनावटी आए हैं और ये छात्र जीवन के नेता सामने खड़े हैं अनिल श्रीवास्तव। बात निकाय चुनाव की हो रही है रोहित जी, तो शुरुआत किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि निकाय चुनाव गली कूचे सड़क का चुनाव होता है, तो यही बनारस है रोहित जी। जब सोनिया गांधी जी यहाँ रोड शो करती हैं, उस रोड शो के बाद से कभी उन्होंने रोड शो नहीं किया बनारस में, और इसकी वजह है कि जब जैसे ही उनका रोड शो आगे बढ़ता है, यहाँ की सड़क में इतना गड्ढा हिचकोला खाती हैं और वो सीधे चली जाती हैं एयर एम्बुलेंस से दिल्ली। तब से आज तक ठीक ही नहीं हुई, बनारस से जो गई वो या स्वस्थ होके आज तक वो पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हुई। ठीक है, जो काशी में स्मार्ट सिटी की बात होती है, उसे स्मार्ट सिटी से अस्वस्थ होके गई, वो आज तक ठीक ही नहीं हुई। ये काशी की धरती से यहाँ से बेचारी आई थी। आप माहौल बनाते रह जाते हैं, कुर्सी कोई और ले जाता है। नहीं देखिए ऐसा है, इस बार माहौल भी हमारा है और कुर्सी भी हमारी है। इस बार प्रियंका गांधी आएंगे प्रचार? हम सब लोग उनके यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, हमारे बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी जो छात्र संघ बीएचयू के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, डेलीगेसी के अध्यक्ष रहे, ये निश्चित तौर से यहाँ से इस बार जीत के जाएंगे। कि अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो हम लड़ लेंगे, देखिए लड़ लेंगे, तो हम पार्टी के डिसिप्लिन कैडर हैं, तो पार्टी ने कह दिया तो हम लड़ रहे हैं, अगर पार्टी नहीं कहती तो नहीं लड़ते। क्या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है यहाँ बनारस का, क्या उस रिकॉर्ड को आप तोड़ पाएंगे? अजय राय साहब आपके साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, क्या कहना है? बिल्कुल इस बार टूट जाएगा जी, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड टूटेगा, काशी की जनता तोड़ेगी। के पहले के सभासद जो थे हमारे वो 8 सभासद थे जी, हम 8 से 21 हुए जी, और हमारी 21 से इस बार हम 50 के ऊपर, हम इस बार सभासद हमारे जीत कर जाएंगे, और हमारे मेयर 1,15,000 वोट पाए थे पिछली बार जी, बिल्कुल मेरे ध्यान में कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस बार आप देखिएगा वो 1,15,000 2,30,000 के रूप में आपके सामने आएगा। यहाँ के सीवर आज स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होगा, ये नहीं लग रहा कि जो एंटी भाजपा वोट है उनका बिखराव होगा, उसका नुकसान होगा। आप ये देखिए, ये पल्लवी पटेल विधानसभा में किसके साथ थी, ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा में किसके साथ थे, और जो पूरी तरीके से ये सब दल किसके साथ थे विधानसभा में, ये समाजवादी के पास, अखिलेश के पास, हम तो अकेले लड़े थे, हम अकेले लड़ रहे हैं, पर ये जो अलग अलग दल लड़ रहे हैं तो घाटा किसका होगा, हम लोग पूरी ताकत लगाकर काम करें। अजय राय साहब मौजूद हैं श्रीवास्तव जी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और अजय राय साहब अपनी बुलंद आवाज में दावा कर रहे हैं कि इस बार काशी में नगर निगम का इतिहास बदलेंगे, हमारी ये पद यात्रा जारी। अजय राय साहब आपको शुभकामनाएं, श्रीवास्तव जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल हमारी ये पद यात्रा जारी है बनारस की गलियों में। अजय राय साहब हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी चुनाव के बाद, मिलेंगे, आप काशी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ये पद यात्रा हमारी आगे बढ़ रही है, गदौलिया से हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, नेताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार के नगर निगम में काशी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी, बनारस में पद यात्रा। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, आज हम वाराणसी में मौजूद हैं, वाराणसी में हमारी ये पदयात्रा चल रही है, मेरे तमाम सहयोगी वीरेश पांडे, स्नेहलता आयुषी और दीपा बाफिला हम लोग मौजूद हैं, और इस वक्त हम 80 घाट के नज़दीक पप्पू केड़ी, आप देखिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीले पटकों में ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, सुभाषपा के तमाम कार्यकर्ता
और सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं, यानी ओम प्रकाश राजभर जी अंदर हैं, क्योंकि इनका भी प्रत्याशी यहाँ पर मेयर प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है। आइए चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस पद यात्रा में। लेकिन सबसे पहले इधर आइए भाई, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। ये मनोज भैया नमस्कार, एबीपी को प्रणाम करते हैं। बताइए फिर, अभी चुनाव फिर से आ गया एक बार जी, तो क्या बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में आपको लग रहा है? मुद्दा क्या, मोदी है तो मुमकिन है, मुझे कोई बड़ा कुछ नहीं है यार। आप ये बताइए, आप सब आदमी हैं, चाय अंदर ओम प्रकाश राजभर जी को पिला रहे हैं? हमारे तो सेवक है, अभी अखिलेश जी को भी चाय पिला, किसकी किसी कोई पार्टी से बचा नहीं है कि लोग नहीं पिलाए हैं, सबको पिलाते हैं हम लोग, सेवा हमारा काम है, सेवा करना। अच्छा, मोदी जी चाय पी के गए थे आपके यहाँ जी, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? अरे तो फिर राजा, पूरे देश के राजा हमारे पे चाय पिए, कंधा पे हाथ रखे, तो उसे बढ़ के हमको क्या हुआ गा? उसके बाद गल्ला बढ़ गया गल्ला तो बढ़ा है, इसमें तो कोई दूरा नहीं। नींद आ गई थी रात में? दो दिन तो हम सोए नहीं थे, उधर कोई राजा अगर हाथ रख देगा तो नींद लगेगी। आज राजभर जी को चाय पिलाए हैं आप, तो राजभर जी को दो दिन नींद आई है? नहीं उनको आएगी नींद, हम उनके साथ में यहाँ रहेंगे हम लोग सबके साथ। चलिए भाई, देखिए मनोज भैया बहुत गुरु आदमी है, सबको चाय पिलाते हैं, मोदी जी भी इनके पास चाय पी के गए, अभी राजभर जी को चाय पिला रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी अगर यहाँ बैठे, ये खड़े तो हो गए लेकिन ये जो यहाँ बैठे थे अभी, ये बैठ के इन्होंने क्या योजना बना दी, किसको क्या कर दिया, और देखिए अभी चेहरे से कुछ पता नहीं लगने देंगे किसी को ना। भैया बताइए क्या योजना बना दी आज आपने यहाँ पे? आगे आइए, लौक नहीं रहा है, स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया जी, पहले चरण का नामांकन भी समाप्त हो गया जी, 5 नगर निगमों में प्रत्याशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने खड़ा किया जी। हम जहाँ बनारस में हैं, हमारे आनंद तिवारी जी यही हैं। तिवारी जी कहाँ हैं? ये हमारे यही हैं, प्रणाम प्रणाम, और जीत रहे हैं। हाँ, छड़ी दिखा दीजिए, ये देखिए, इसी से हाँक देंगे, 13 तारीख को हाँक के भगा देंगे सर। तिवारी तो का हो गया, कौन तिवारी भारी है? ये अपन तिवारी है, बनारस हो करे साथे हो, जो है वो यहाँ के हैं, पता नहीं, हम तो नाम नहीं सुने थे उनका, कहानी कहाँ से है भाई, उसी के साथ तिवारी। बिल्कुल, आज दिल्ली में और पंजाब में अगर घरेलू बिजली का बिल माफ हो सकता है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं माफ हो सकता है? ये ललकार रहे हैं पूरे क्षेत्र में घूम करके, पूरे बनारस में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है? महिलाओं का वोट जाएगा इस बार, चुनाव लड़ रही है, आइए आइए चुनाव लड़ रही, इधर आइए। लहर है सुभाषपा की? बिल्कुल है, सब जगह है। ओपी भैया से क्या सीखी है? बहुत कुछ सीखे है, बहुत कुछ सीखे है। की लहर से ज्यादा तेज चल रही है छड़ी की लहर। जी जी जी, एकदम। आइए आगे, अभी हम यहाँ पीएंगे चाय का एक कप तो जरूर पिएंगे हम भी ओम प्रकाश जी के साथ। ओम प्रकाश आनंद तिवारी जिंदाबाद, ओम प्रकाश आनंद तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय सुवाले, जय सुवाले। चाय चाय पे आप खाइए। कि सब लोग ये कह रहे हैं कि आपने तिवारी जी को चुनाव इनके हाथ में छड़ी तो आपने दे दी, लेकिन ये छड़ी दिखाने की है, ये बताइए कि आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या किसी को हरवाने के लिए, और ये किसी कौन है, किसको हरवाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये जनता का चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, जनता मालिक है। जितने लोग पर्चा भरे हैं, सभी लोग जनता के बीच में जाके अपना अपना हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी बात, जो जिस पार्टी का अपनी अपनी नीति है, सिद्धांत है। 52 लोगों के विश्वास कैसे हुए जब पार्टी का राजनीति खाली, वो पिछड़ी जाती आधी क्या? है नहीं, आधी आबादी, अभी तो आप देखते जाइए ना, अभी महिला लखनऊ मेयर वंदना पांडे वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, आपके सामने आनंद तिवारी जी हैं। क्या बात करते हैं? अच्छा ये बताए, नहीं आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको लगा क्या ये पिछड़ी जाति के हैं? एक मिनट, हम बता रहे हैं, लीजिए, पिछड़ों में जाति का बहुत महत्व नहीं है, वो जाति अलग विषय है, ब्राह्मण में पिछड़े नहीं है, दलित नहीं है, ब्राह्मण में भी पिछड़े हैं, दलित हैं, हमारे माननीय जी उनकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लड़ रही है। अच्छा, उदाहरण मैं दे दूं, कैसे? अभी आपने एमएलसी का चुनाव देखा होगा, 28 साल की उम्र वाले को पर्चा भरवाया गया एमएलसी में, और पर्चा भरवाने के बाद कौन कौन प्रस्तावक थे? खुद मुखिया पार्टी के, सपा के, और उनके नवरत्न लोग जो एमएलसी रह चुके हैं, उन लोगों ने 28 साल वाले को पर्चा भरवाया जानबूझ करके कि भाजपा जीत जाए। अब आइए इधर, ओपी नाम वाले
उधर भी समाजवादी पार्टी से छोटे मोटे नेता। अरे वो पी ओपी तो यहाँ असली ओपी यहाँ है, असली ओपी राजभर है, नहीं तो इधर आनंद तिवारी है। आपका सेमीफाइनल मानते हैं? नहीं नहीं, आप ही लोग पूछते हैं। जब अभी भाई इलेक्शन था तो आप लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल है, फिर जब पंचायत चुनाव आया तब भी आप लोगों ने कहा सेमीफाइनल है, अभी इसके बाद भी लोकसभा का भाई इलेक्शन होगा, विधानसभा भी होंगे। कोई बीजेपी वालों ने इस बार कोई चर्चा की नहीं आपसे? हम किसी के यहाँ ना चर्चा के लिए गए ना कोई हमारे यहाँ आया। राजनीति में अपनी ताकत इकट्ठा करिए, जब अपनी ताकत इकट्ठा होगी तो तमाम लोग सलाम करने वाले लोग मिलेंगे। ना ना, पाँच में नहीं काम चलेगा। कोई 50 साल बीजेपी ने संघर्ष किया था जी, बीजेपी ने 50 साल संघर्ष किया, तब आज 9 साल से सत्ता में है जी। इसके पहले बीजेपी का वही हस्त था जो आज भारतीय समाज पार्टी के विषय में लोग सोच रहे हैं जी। ये है ना प्रमाण? बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रयास अनवरत करना चाहिए, सफलता के लिए प्रयास अनवरत करना चाहिए। अब प्रयास करने वाला व्यक्ति का कभी वो असफल नहीं हुआ है जी, कभी असफल नहीं हुआ है। शहर में बीजेपी मजबूत रहती है हमेशा जी। जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जो देहात के इलाके में जो वोटर है वो वोटर हम लोगों ने मन बना करके तैयार कर लिया है जी। आप देखिएगा जब रिजल्ट यहीं बनारस आएगा तो आपको भी लगेगा कि इतना वोट इनको कैसे मिल गया। आपको क्या लग रहा है कि कोई मुद्दा, स्थानीय मुद्दे हावी हैं या बड़े मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि सब जगह प्रचार में जा रहे हैं? नहीं देखिए, जो ये चुनाव हो रहा है सच्चाई ये है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन लोग नफरत कर रहे हैं। नफरत करने वाले लोग वोट नहीं देते हैं। अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि समाजवादी पार्टी अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश में दोबारा शासन में आना चाहती है तो अब उसको नान यादव मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। नान यादव चाहे पटेल को बनावे, चाहे मौर्या को बनावे, चाहे राजभर को, चाहे बीन को, चाहे चौहान को, चाहे पाल को, किसी को बनावे। जब 22 लड़ रहे थे तब ज्ञान नहीं दिए। अब आप 22 की बात कर रहे हैं, पूछिएगा अंदर। अब अंदर की बात हम आपको बताने लगेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। राजनीति में अब परिपक्वता ही कहती कर लीजिए कि जिसके वजह से वो फेल हुए। जनता तो चाहती थी उनको सीएम बनाना, लेकिन उनकी अपरिपक्वता जिसको शिवपाल यादव जी भी कह रहे थे। और सपा की एक चीज हमको लगती है ना, बहुत लंबा किसी दूसरे पार्टी से पटरी नहीं खाता है, गठबंधन टूट जाता है। सपा से गठबंधन बसपा से जल्दी टूट गया, कांग्रेस से जल्दी टूट गया, आरएलडी से जल्दी टूट गया, सुभाषपा से जल्दी टूट गया। क्यों टूट जाता है? हम मान लो हम गलत हैं और सारी पार्टियां गलत है, खाली वही सपा बढ़िया है। भोले भाले हैं आप लोग, आरोप लगा दे। भोले भाले देखने में है, देखने में है। जैसे कहावत था कि पेट में सिंह होती है। पेट में समाजवादी पार्टी को टक्कर नहीं मान रहे। नीतीश कुमार वाली बात कर रहे हैं जो लालू राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, उनके पेट में सिंह है। ऐसा सिंह मारे हमको कि हम चारों खाना चित हो गए अकेले। आपने यूपी की राजनीति में दे दिया कि अखिलेश यादव के पेट में सिंह। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी ने कहा था ना कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन हम लालू के साथ नहीं जाएंगे। चले गए बीजेपी से, क्या कहा था कि हम घर बैठ जाएं लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन गए। तो ये क्या है, दबे पिछड़ों की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर को सामान्य वर्ग के लोग क्यों विश्वास करें कि वो आप उनकी राजनीति करेंगे, उनकी बात माने? वो सबसे ज्यादा मानते हैं, मानते वो है? जानते हैं कि बिजली का बिल माफ होगा तो खाली पिछड़े का नहीं होगा। देखिए इस देश में हम यही चाहते हैं कि जो आपका आरोप है, अहिर गड़ेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार आरा कर बंसी बंजारा बहलिया खंगार सबको बराबर जोड़े हैं। तिवारी जी आपकी बात। भाई हम नया जोड़ दिया। तो चलिए मिलाकर राजभर जी ये कहा जाए कि आपको इस बार के चुनाव में आप बड़े बदलाव की आप दावा करेंगे, बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। थैंक यू, लेके आएंगे जी। तो बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आपको शुभकामनाएं, तिवारी जी आपको भी। अब देखते हैं कितना बड़ा बदलाव लाते हैं, चुनाव के बाद फिर बात करेंगे आपसे। जल्दी मिलते हैं जी। तो बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद थे जो दावा कर रहे हैं कि इस बार नगर निगम के चुनाव में बदलाव लेकर आएंगे। लंका पर मौजूद हैं और यहाँ पर पहलवान लस्सी में मौजूद है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। शालिनी यादव जी हमारे साथ हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सपा के वरिष्ठ नेता, और इसके साथ ही साथ सपा के महापौर के प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शालिनी जी आपका स्वागत है बीपी गंगा। थैंक यू सो मच, काशी में आप लोगों का भी स्वागत है सब। क्या लग रहा है इस बार आपको कि ये जो चुनाव है इस चुनाव में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि बनारस में तो नगर निगम में हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, लेकिन आप काशी की जनता को नहीं जानते हैं। बड़ा ही बौद्धिक यहाँ के नागरिक हैं और वो
सिर्फ पार्टी जाति से ऊपर उठ करके व्यक्ति उसके कार्य और ज्ञान का भी आंकलन करते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत अच्छे नोट पर हम लोग ने चुनाव शुरू किया है, अभी तो शुरुआत है। ओपी जी, क्या तैयारी है आपकी? आपको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, तो क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी के नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी नगर निगम का चुनाव जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। जितने लोग हैं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रत्याशी जनहित में कोई काम नहीं किया है। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि मैंने जनहित में जितना काम किया है किसी प्रत्याशी ने नहीं किया। अजीत जी, जिस तरीके से अजय राय अनिल श्रीवास्तव के साथ खड़े थे, उसी तरीके से एक शख्स मैं भी देख रहा हूँ जो खड़े हैं, उनका नाम है किशन दीक्षित, और शहर दक्षिणी में भारतीय जनता पार्टी का छक्का छुड़ाने वाले ये प्रत्याशी हैं और बहुत जनाधार है। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम लोगों ने बनारस में राजी का ककहरा सीखा है तो डॉक्टर ओपी सिंह को देख के सीखा है। अगर मैं जिस तरह चुनाव लड़ा हूँ उससे भी अच्छा ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये बनारस का इतिहास होगा। जिस तरीके से आशुतोष सिन्हा ने चुनाव लड़ा, यहाँ जीत किया, किशन दीक्षित को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, ऐतिहासिक चुनाव हम लोगों ने लड़ा, और ओपी सिंह उससे बढ़िया चुनाव लड़के जीतने जा रहा है। ओपी जी इधर आइए, जरा ये देखिए इधर, ये सबको लस्सी पिलाते हैं। भैया ये बताइए, ये क्या लग रहा है? सपा वाले कह रहे हैं कि इस बार तो लस्सी जीत की लस्सी यही भी है, क्या लग रहा भाई? अब जीत की लस्सी सबको पीनी है, अब देखिए बाबा किसको पिलाते हैं। अच्छा, ये भी बाबा पर छोड़ दिया। देखिए यहाँ के मालिक बाबा हैं, तो यहाँ का पूरा संचालन बाबा ही करते हैं। आप किसको पिला रहे हैं? हम तो सभी बाबा भक्तों को पिलाते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, सुनिए एक बार बताइए। देखिए सपा के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव एक तरफा इस बार या लड़ाई है, टक्कर में है सब लोग? देखिए पब्लिक समझदार है और अपना मत बहुत सोच समझ के देती है। चलिए अब इनसे बात करते हैं। सुनिए इधर आइए। अरे ओपी जी इधर आइए, आपसे बात करते हैं। भाई इनका कहना है कि जनता बहुत समझदार है, इनका कहना है कि हम एक तरफा तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो सब लोग आते हैं, सबको लस्सी पिलाते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि बनारस वाले जीत की लस्सी बीजेपी को पिलाता है अब तक, बाकी लोगों को झुंझुना, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार जीत के लस्सी समाजवादी पार्टी पिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं। और इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। सिर्फ एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भी प्रत्याशी मेरे सामने है, चैलेंज के साथ कहता हूं कि जनहित में इन प्रत्याशियों द्वारा कोई कुछ भी नहीं किया गया है। ओपी जी, एक सवाल, आप कह रहे हैं आप बनारस को खूब समझते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि 25 साल से बनारसियों को नहीं समझे हैं। बनारसी हर बार से मेयर बदला ही नहीं है, इसकी वजह क्या रही है? आपका क्या कहना है, ये अनुभव क्या कहता है? देश में कांग्रेस का जलवा था और लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और उसके बाद जब बदलाव आया, तो फिर दूसरी सरकारें आई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कल बदलाव होने जा रहा है समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए कि आप जो सब लोग हैं एक ही मोहल्ले के हैं, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी, आप कांग्रेस के, तो ये कौन सी लड़ाई चल रही है, ये बताइए? हम सब लोग जो है मेयर जो है उसी क्षेत्र का होगा, चाहे जो भी जीते। जब हम अनिल श्रीवास्तव से बात करते हैं, वो भी बुलंद आवाज, अशोक तिवारी बुलंद आवाज, सब बीएचयू से, तो आखिर हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए भाई। नहीं, सब बीएचयू से नहीं, अनिल श्रीवास्तव बीएचयू से, मैं बीएचयू से। जी अच्छा, जी वो विद्यापीठ वाले। किशन दीक्षित साहब, ये आप ये बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में लोग जिस तरह से आपके साथ आए, देखिए क्योंकि बनारस में पुराने एक ट्रेंड रहा है बीजेपी को लेकर, उस ट्रेंड को अगर आप बदलने की बात कर रहे हैं, शालिनी जी बात कर रहे हैं, ओपी जी बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है बदलाव हो सकता है? देखिए मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार भी जब मेयर का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1 लाख समथिंग पाया था, और हमारे जैसे माननीय राष्ट्र जी कहते हैं बीजेपी लोग बहुत चालू होते हैं, वो जो 1 लाख कैंडिडेट पाया उसको भारतीय जनता पार्टी में कर लिया। अगर आज वो यहाँ 5 साल काम किया होता तो निश्चित तौर से बीजेपी मुँह खा जाती। जब दूसरा परिवर्तन होता है तो बदलाव होना कोई खास बात नहीं है, हर एक के अपने USPs होते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से अब मैं आप काशी को देख रहे हैं, अब उसी तरीके से उसको आगे भी मेंटेन करना, क्योंकि अभी यह बनारस नगर निगम अन्य निकाय से अलग है, क्योंकि अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखे जा रहे हैं, अब हमारी तुलना दिल्ली मुंबई जैसे निकायों से होती है। ओम प्रकाश जी, ओपी जी, मैं आपसे सवाल लूंगा,
ये कब तक आपका चुनाव प्रचार रात भर चलता है? चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है? मैं सुबह 6 बजे चुनाव प्रचार में निकलता हूँ। जितने टहलने वाले लोग काशी के हैं उन पार्कों में जाकर उनसे मिलने का काम करता हूँ और वापस 10 बजे आता हूँ। फिर वापस 10 बजे आने के बाद जब निकलता हूँ तो रात 12 बजे तक जनता के बीच में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब कोई टक्कर में नहीं है और ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार चलेगी बनारस में और पूरे प्रदेश में, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योटो के नाम पर यही नगवा नाला है नदी सफाई के नाम पर यहाँ से 100 मीटर पर नगवा नाला है, आप चल के देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि ये क्या काम किया। क्या लग रहा है कि ये चुनाव किसी तरीके से 2024 का सेमीफाइनल आप लोग मानते हैं, क्या देखते हैं? एकदम रहेगा, खासतौर से बनारस की, बनारस इस बार समाजवादी पार्टी मेयर जीतने जा रही है, यहाँ से मुंह तोड़ जवाब पूरे देश में देने जा रहे हैं। जी शालिनी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हम लोग अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हैं तो सब तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था है और उसी पैटर्न पर हम लोग वही लक्ष्य लेकर के कि हमारी काशी जैसे आज दिख रही है ऐसे 12 मास आगे तक दिखे लोकसभा चुनाव तक। तो ओमप्रकाश जी आपको शुभकामनाएं, आप सब लोगों को शुभकामनाएं, जनता की बात आप लोग करें, जनता का भरोसा आप लोग जीतें। तो आपके साथ इस पदयात्रा में इतने आप इसमें शामिल हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के नेता सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बनारस में बदलाव होगा और इसके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो एबीपी गंगा की पदयात्रा आगे भी जारी है, इस वक्त हम लंका गेट पर मौजूद हैं, रविदास गेट पर, और आगे हमारी ये पदयात्रा जारी रहेगी। न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी, बनारस में पदयात्रा। पल्लवी पटेल जी भी मौजूद हैं, अपना दल कमेरावादी की नेता, और इस बार निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में चमत्कार किया था, इस बार क्या कर रही हैं जानने की कोशिश। पल्लवी जी क्या कहना है आपका, निकाय चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह कोई चमत्कार, कोई उलटफेर? अपना दल जब जब मैदान में आया है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा करके गया है जो दुनिया बहुत दिनों तक याद रखती है, और इस बार लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। और अपना दल के प्रत्याशी मेरे बगल में मेयर पद के खड़े हुए हैं, बनारस वाले हरीश मिश्रा जी, और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को जो विचारधारा है, राजमाता कृष्णा पटेल जी का जो नेतृत्व है, उसको लेकर के ये हमारी सोच को जनता के बीच में पहुँचाने का काम करेंगे। मिश्रा जी, रास्ता कठिन है कि ठीक है, बढ़िया? एकदम सरल है बहन, गुजरात का पैसा, जो बनारस का पैसा जो गुजरात ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हम लोग बनारस में लगाने का संकल्प लेते हैं। पूरी तरीके से बनारस के साथ ब्लफिंग पॉलिटिक्स हुई है, पिछले 8 सालों में हमको सिर्फ और सिर्फ जुमला मिला है। हमारी बहन पल्लवी पटेल पूरे उत्तर प्रदेश में कमेरावादी, गरीब, दलित, बुनकर और किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं। हमको लगता है कि बनारस परिवर्तन करेगा और पूरी तरीके से कमेरावादी के साथियों के साथ अपना संघर्ष में साथ देगा। पल्लवी जी, यहाँ पर आपने अपना प्रत्याशी उतारा है और पश्चिम में समाजवादी पार्टी के रालोद भी अपना प्रत्याशी उतार रही, तो कहीं ना कहीं अपने में ही क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है? देखिए, निकाय चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। अगर आप उनको विधानसभा में मौका नहीं देंगे, लोकसभा में मौका नहीं देंगे, तो कब मौका देंगे? चलिए पल्लवी जी, आगे चलते बात करते हैं, हमारी पदयात्रा पल्लवी, हम जाएंगे थोड़ा दूर। बात ये है कि अखिलेश यादव जी से गठबंधन क्यों टूट गया? इसमें बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैंने पहले बोला, निकाय चुनाव संगठन के लोगों को मौका मिलने का एक चुनाव होता है, और ऐसे में पूरी ताकत से अपने संगठन के लोगों को, जो लगातार हमारी विचारधाराओं को जनता के पीछे पहुंचाने का काम करते रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस यानी सोनेलाल पटेल की नेता अनुप्रिया पटेल को आगे बढ़ने का मौका देती है, वैसा मौका पल्लवी पटेल को गठबंधन के नेता के तौर पर अखिलेश यादव नहीं देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल को मौका कमेरा समाज दे रहा है, और उनके दम पर लगातार पल्लवी पटेल आगे बढ़ रही हैं, उनकी बात कर रही हैं और लड़ाई लुटेरा से लड़ रही हैं। आपको टीस है कि अखिलेश जी उस तरह का स्पेस नहीं देते जैसा मोदी जी अनुप्रिया पटेल को देते हैं? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि जब 2022 का चुनाव था तो तमाम लोगों के होने के बावजूद सबसे कठिन माने जाने वाली हॉट सीट पर उन्होंने मुझे मौका दिया, तो काबिलियत देखी, ताकत देखी, मुद्दा देखा। तो ये नहीं लगता आपको बलि का बकरा बनाने के लिए वहाँ लगा दिया था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़ाई होती है तो एक सेनापति को सबसे मजबूत सेनापति होता है उसको आगे किया जाता है। पल्लवी जी, एक अहम सवाल ये है, ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं मेयर के लिए, गठबंधन में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा, जो एंटी बीजेपी वोट हैं उनका बिखराव होगा?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है ये मुद्दों पर है, विचारधारा का है, और हमारी विचारधारा जब उनसे मिलती थी तभी हम उनके साथ लड़े हैं विधानसभा चुनाव। हमारा लोकसभा जो आने वाला है उसमें भी गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि निकाय चुनाव में अगर आपने अपने छोटे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जो घर घर आपकी विचारधारा को लेके जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय होगा। पल्लवी जी, एक बड़ा बड़ा सवाल, लोकसभा लड़ेंगी क्या? अगर आप कहेंगे आप लड़वाएंगे तो मैं जरूर लड़ूंगी। मतलब हम लड़ाने की स्थिति में है? बिल्कुल, आप ही तो सबको बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। एक सवाल में तीन सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि पल्लवी पटेल स्पष्ट बोलती हैं, साफ साफ बोलेंगी। आप हर बार मुझे पानी पे चढ़ाते हैं। जी बताइए, 2024 में राजमाता कृष्णा पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? देखिए, मैंने पहले भी बोला ये निर्णय दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और जो भी गठबंधन हित में होगा उस पे हम सभी कार्यकर्ता निसंदेह पूरी ताकत लगा देंगे। पल्लवी पटेल चुनाव लड़ेंगी? ये निर्णय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे। पंकज निरंजन राष्ट्रीय महासचिव कमेरावादी चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन में जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसके गठबंधन के नेतृत्व ही डिसाइड करेंगे। वीरेश जी, आज पल्लवी जी आपके सवालों में नहीं फंसने वाली है, देखिए कभी भी नहीं फंसी। अब ऐसे बात बात सही की आपने, यानी आप जो सवाल पूछ लीजिए। बनारस से लड़ेंगी, मोदी जी को हराएंगी? अरे वाह, कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक खेलेंगी। ठीक है पल्लवी, आपके तमाम लेकिन एक और सवाल, इतनी मजबूत स्थिति में है कमेरावादी? यहाँ से कमेरावादी अपना दल हमेशा से विचारधारा के अनुसार यहाँ पर सबसे मजबूत रहा है, और अगर मजबूत नहीं होता तो 2014 में मोदी जी को माता जी के साथ नहीं आना पड़ता। ये गढ़ तो रहा है कि कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल जी की इतनी लोकप्रियता है कि मोदी जी उनको अपने नामांकन में ट्रक पर बैठा कर लेकर चलते हैं, तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल को भी चुनौती मानती हैं आप? यहाँ पर लोकप्रियता किसी की नहीं है, यहाँ पर लोकप्रियता सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल और उसकी विचारधारा की है। तो उस विचारधारा को अपने साथ होने का दावा तो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल करते हैं। वहाँ पर जरूर ये बात सत्य है कि अपना दल की जिस विचारधारा की बात वो कर रहे हैं उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का नाम लिया है और अपना दल सोनेलाल बना लिया है, लेकिन माता जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की अर्धांगनी होते हैं के नाते इस कमेरा समाज का नेतृत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा कमेरावादी को लेकर। आशीष पटेल, आखिरी सवाल, आशीष पटेल कहते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आत्मा दुखी होगी, रो रही होगी, क्योंकि कभी भी वो साइकिल के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन पल्लवी पटेल ने गला घोट दिया और सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों का और साइकिल पर चढ़कर विधायक बनने के लिए साइकिल की सवारी कर। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इस बात पे ज़्यादा दुखी होंगे कि जिन लोगों ने उनकी हड्डियां तोड़ी, जिन्हें उन्होंने चलने से मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों के साथ उनके लोग खड़े हैं और विचारधारा साथ लेकर चलने का दावा करते हैं। बीएसपी और कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं आप इस लड़ाई में? ठीक है, सपा का तो आपने कह दिया कि गठबंधन है, 24 में जारी रहेगा, अभी हम अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग अपनी चुनौती से अपने आप को मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपना 100% दें और जितना बेहतर हम करेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन हम सामने वालों के लिए बनते जाएंगे। वक्त आ गया है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को उस सदन तक पहुँचने के लिए। हमारे जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं बनारस वाले हरीश मिश्रा जी, पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होइएगा और हमारी विचारधारा को, माता जी के नेतृत्व को उस सदन तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करिएगा। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पल्लवी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनका कहना है कि वो चुनाव लड़ रही हैं, पूरे दमदार तरीके से लड़ रही हैं और बड़ी चुनौती भी पेश करेंगी। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम इस पदयात्रा के कार्यवाह को आगे बढ़ा। तो हमारी ये पदयात्रा जारी है और इस वक्त हम वाराणसी के लंका में मौजूद हैं, रविदास गेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। वीरेश पांडे लगातार मौजूद हैं, स्नेहलता मौजूद हैं, आयुषी हैं और साथ ही साथ दीपा बाफिला भी मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ हमारी इस पदयात्रा में अनिल राजभर जी मौजूद हैं, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वाराणसी में पूर्वांचल में निकाय चुनाव में जीत दिलवाने की जिम्मेदारी भी है। अनिल राजभर जी, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या किस तरह से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की धरती पर और पूज्य प्रधानमंत्री जी की काशी में मैं एबीपी गंगा के सभी पूरे यूनिट के एक एक सदस्यों का और आपके सभी सम्मानित दर्शकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और जहां तक चुनाव की बात है तो निकाय के चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है पूरी तरीके से। अभी ये भगवान रविदास के गेट पर और ये 1966 की ये दुकान हमारे पीछे है जी। ये काशी है, इसको समझिए।
इनके बड़े भाई, इनके बड़े भाई और परम मित्र ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मेरा आनंद तिवारी इनके अशोक तिवारी पर भारी। अच्छा, किसका तिवारी भारी? मैं बताऊं कि इन लोगों के उम्मीदवारों से कई निर्दल उम्मीदवार भी इनसे बेहतर चुनाव लड़ेंगे। मेरी बात आज का आप नोट करिएगा। और इन लोगों के उम्मीदवार काशी की गलियों में ये घूम भी नहीं पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख आते आते ये जो पूज्य प्रधानमंत्री जी की काशी में जो भारतीय जनता पार्टी की लहर है, ये आते आते ये भी हमारा प्रचार न करने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है। आपसे कुछ और सवाल भी होंगे, लेकिन एक पान तो खिला दीजिए, आपने इतनी तारीफ इस दुकान की कर दी। तो आइए, तो दिखे मंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पान भी खिलाने लेके जा रहे हैं हमें। अनिल जी, आप जैसे प्रधानमंत्री जी खिलाए तो वैसे ही खिलाइए। हाँ, एक गमिया लीजिए, आप 100 रुपए गमिया पान खाइए। अपने हाथ से तो छोटा भैया है, ये अधिकार मेरे नहीं है। माहौल क्या है इधर का? अरे माहौल पूछना है? अरे पूरे देश को आप देख रहे हैं और यहाँ माहौल पूछ रहे हैं? जहाँ से हम जो है मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और हर तो यही स्थिति है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मेरी बात याद रखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत काशी की धरती पर होने जा रही है। ठीक है, देखिए इनके बोलने की स्पीड देखिए, पूरा गिलौरी पान खाए मोटा वाला और धक बोले जा रहे हैं। देखा, बड़ा पुरान गीत भी सुन ले होबा लोग, बनारस का पान अगर ये खा लेते लोग तो इनका जो बंद है ना बुद्धि का ताला वो खुल जाता है, अकल वाला ताला। तो आप समझ लीजिए, बनारस का पान विपक्ष में कौन खाना चाहिए जिसका ताला खुल जाए दिमाग का? ओम प्रकाश जी नहीं खाए केशव जी का पान। अब असलम राजभर की देखिए, हम बात नहीं करते, हम तो बार बार आपसे कहते हैं असलम राजभर। हाँ, असलम राजभर, हम तो बहुत पुराना नाम रखे हुए हैं। हाँ, वो आदमी जब महाराजा सुहलदेव राजभर जी का नहीं हुआ तो वो किसका हो सकता है? गाजी के मजार पर चादर चढ़ाने चला जाता। फिर भी इस बार कोई कंपटीशन तो मानते होंगे मतलब। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे नॉन सीरियस लोगों के बारे में क्या चर्चा करना। हाँ, ये है कि हमारे मीडिया के साथी बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए। माने आप उनको कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मनोरंजन? हाँ बिल्कुल, उससे ज्यादा क्या, यहाँ बनारस का लोग कोई भाव नहीं देता। माने वो राजनीति के एक तरीके से जोकर है? अरे जोकर तो फिर भी एक सम्मानित शब्द है। अरे बाप रे, बनारस बीजेपी के प्यार में है तो प्यार में थोड़े वादे भी होते हैं। जनता से कुछ वादा वादा कर दीजिए, अगली बार आएंगे तो क्या करेंगे? संकल्प पत्र हमारा आ सकता है, उस पे डिटेल से हम लोग आएंगे। वादे तो टूट जाते हैं, कोशिश करेंगे। प्रयास करेंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि केशव जी की इस पान की दुकान से, इस पान के साथ यहाँ का मशहूर पान जो मोदी जी को खिला चुके हैं और राजभर जी को तो कई बार खिला चुके हैं, उनको पानी पिला चुके हैं। पानी तो पता नहीं किस किस को मिला चुके हैं। राजभर जी को पान खिलाया, जीत वाला पान, तो ये पान हमें भी खिला रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पान की मिठास के साथ इस पद यात्रा के कारवा को आगे बढ़ाएंगे। न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी, बनारस में पद यात्रा। तो बिल्कुल, इस वक्त हमारी पद यात्रा रात का वक्त है और हम लोग वाराणसी के 80 घाट पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आरती खत्म हो चुकी है, लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं, कि प्रबुद्ध जनता क्या सोच रही है, उनसे बात करेंगे। कुछ प्रबुद्ध लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे तमाम सहयोगियों की टीम भी मौजूद है। आप देख सकते हैं सोमा घोष जी यहाँ पर मौजूद है, बनारस की शान, हिंदुस्तान की शान। और हम अगले गेस्ट की तरफ भी बात करते चलते हैं, रोशनी से मुलाकात कराएंगे, जो कम उम्र में समाज सेवा का जिम्मा संभालना चाहती हैं और उनका सपना समाज को आगे बढ़ते देखना है। तीसरी गेस्ट हमारे साथ है, सुष्मिता जी हैं, समाज सेविका हैं, ये भी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। गीतांबरा जी, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, धर्म के प्रति लोग जागरूक भी हो रहे हैं और जब से हमारे बनारस में मोदी जी आए हैं और योगी जी का राज चल रहा है तो हमारे धर्म के प्रति इतना लोग जागरूक हो गए हैं कि बनारस में अब हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से इतनी भीड़ आ रही है। हमें लगता ही नहीं कि हम कहाँ पर है, इतनी खूबसूरत लगती है बनारस। तो मैं एक चैती पेश कर रही हूँ क्योंकि चैत अभी गया है। चैत महीनावा में जन्मे हो रामा, नौमी के दिनवा, चैत महीनवा में जन्मे हो रामा, नौ
मम्मी के दिनवा खिल गई ले फुलवा बोराई गई ले हमावा बाजे बधैया दशरथ के अंगना नौमी के दिनवा। ये हमारा बनारस है जहाँ आध्यात्म और संगीत हर जगह दिखती है। आपको अच्छा लगा ना? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमें एक निवेदन हमें कर सकती हूँ स्टेज पर? बिल्कुल बिल्कुल। खास करके बनारस जहाँ पर हमारा विरासत दिखती थी और दिखती है, हम सभी कलाकारों के तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये विरासत जो स्टेज है हमारा, उसमें अगर बॉलीवुड और रियलिटी शोज़ के बच्चे को लाना है तो उनको हमारी शास्त्रीय संगीत सीख के आना पड़ेगा। उनको राम के जगह पे राम के ही भजन गाना पड़ेगा। अगर वो ख्याल के स्टेज पे आ रहे हैं तो उनको ख्याल गाना पड़ेगा, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं। हम अगर कोई बॉलीवुड स्टार नाइट में जाते हैं तो हम फिल्मी गाना गाते हैं, हम वहाँ क्लासिकल नहीं गाते हैं। मैं दरगाह में भी जाती हूँ, वहाँ मैं अस्सलाम सलाम पेश करती हूँ। अगर वो आए तो वो सीख के आए, हमारे विरासत को धूमिल ना करे। बनारस को में कितना बदलाव, अरे बदलाव क्या सही दिशा में हो रहा है, क्या लगता है आपको? बदलाव जो है यहाँ पर वो बहुत सही दिशा में है। पहले जब आज से 15 साल की बात कर रही हूँ, हर जगह जनरेटर की आवाज़ आती थी, लोड शेडिंग होते थे। आज देखिए कहीं जनरेटर की आवाज़ नहीं आती है, कहीं लोड शेडिंग नहीं है। और जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि बनारस के लोग स्वच्छता पर इतना जागरूक होंगे, एक जगह कोई कचरा नहीं दिखती है। रात को 10 बजे के बाद फिर से झाड़ू लगती है, सुबह एकदम चमकता है रास्ता। ये बहुत ही सुंदर परिवर्तन, ये बड़ा बदलाव है। जल्दी जल्दी से आप लोगों से एक सवाल, ये बदलते हुए परिवेश में युवाओं को मौका मिल रहा है कि नहीं? युवाओं को रोज़गार जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और बात करें अगर नगर निगम चुनाव है तो यहाँ की साफ़ सफाई और घर में स्वच्छ पानी आए, तो यहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सच्चाई है, लोग बिना आरओ के सर्वाइव नहीं कर सकते। घर में नीला पानी आता है, कभी पीला पानी आता है, कभी हरा पानी आता है, लोग पीने के लिए मजबूर हैं। पीताम्बा जी, क्योंकि देखिए चुनाव हैं और अगर बनारस की बात की जाए तो धर्म की राजनीति से कहा जाता है, लेकिन जब से मोदी जी ने चुनाव लड़ा है तो सियासत की राजधानी भी से कहा जाता है। और आप लोगों का समाज का वोट भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्या कह रहा है इस बार आपका समाज? बस योगी मोदी हैं तो हैं। आपको क्या लग रहा है? हाँ, योगी मोदी हैं तो सब मुमकिन है। और इतना समृद्धशाली पूरे राष्ट्र की बात कर सकते हैं, केवल यूपी ही नहीं, चारों तरफ इतनी स्वच्छता और खुशहाली है। सब योगी मोदी धन्य धन्य कर रहा है हर बनारसी, लेकिन वो जहाँ कहीं पानी की कमी रह जा रही है, वो जो विरोधी लोग कमियाँ निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटियाँ सुरक्षित है, बहुत ही खुशहाल माहौल है, हर भारतवासी संतुष्ट है, खुश है। आप एजुकेशन पे वोट नहीं कर रहे हैं, आप पे वोट नहीं कर रहे हैं, आप साफ पानी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जाते थे। लोगों के मूड में सनातन धर्म बसा है, नहीं नहीं, यहाँ पर जो सनातन धर्म है वो आज योगी और मोदी के चलते है बनारस में। नहीं, बनारस का नाम तो डूब चुका था, कुछ भी नहीं था बनारस में। राजनीति में जंग है, संगीत में जंग नहीं है। गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, जब हो गंगा मैया मनसा पूजी है, घुंघरी बतासा चढ़ई बो गंगा द्वारे, हो गंगा द्वारे, गंगा द्वारे। इस पदयात्रा के हम आखिरी पड़ाव में मौजूद थे और बनारस में हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार नगर निगम चुनाव में जनता के असल मुद्दे क्या हैं, नेता क्या सोच रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं। और फिर एक बार ये तय होगा कि आखिरकार बनारस में निकाय का नायक कौन होगा। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।